मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर उस समय हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने लगभग 5 वर्षीय बच्ची को सड़क पारते समय रौंद डाला। साथ ही घायल बच्ची की हालत गंभीर देख मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में घायल मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, एक माँ की ममता तब छलक उठी जब उसे पता चला कि उसकी बच्ची की हालत गंभीर है, जिसके बाद पीड़ित माँ का बीच सड़क पर रो रोकर बुरा हाल देखने को मिला। इस दौरान सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच पड़ताल की, मगर अभी तक कार चालक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। घायल बच्ची के परिजनों ने बताया कि इधर से बच्ची रोड पार करके जा रही थी तो दूसरी तरफ से गाड़ी तेजी से आ रही थी और टक्कर देखकर रुके नहीं और टक्कर देखकर भाग गए। उसने कहा, बच्ची के बचने की कोई आस नहीं है, उसे अस्पताल ले जाया गया है जहां उसका उपचार चल रहा है। अब बाबूजी इधर से जा रही थी बच्ची पार करके रोड, जब तेजी मार रही थी गाड़ी उधर से, जब टक्कर देख के भग गया बाबूजी, रुकी भी तो नहीं है वो गाड़ी। हाँ, फिर क्या हुआ? टक्कर देख के भग गया बाबूजी उसको, बच्ची को। हाँ, बचने की कोई आस नहीं है बाबूजी। हॉस्पिटल ले गए बच्ची? हाँ, हॉस्पिटल ले गए बाबूजी, कोई आस नहीं है। बाबूजी हम यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे खाते हैं। बाबूजी लाल कलर की थी, लाल कलर की बाबूजी, रेड कलर की कार थी। बच्चा इधर से खाना चीज लेके आता और एक्सीडेंट मार के भाग गया। वो कौन सा किधर का गाड़ी आ रही थी? इधर से जा रही थी, इधर। हाँ, ये थी आई थी। कितना बड़ा बच्चा था जिसके चोट? बच्चा अभी 5-5.5 साल का है। तो गाड़ी तेजी पर थी? गाड़ी तेजी पर थी? हाँ, तेजी पर थी गाड़ी। हाँ, तेजी में थी बाबूजी, तेजी। मार के बच्चे को क्या हालत है बच्चे के? बच्चे का वैसे लगा नॉर्मल एकदम, बिल्कुल बचने की आस नहीं है बाबूजी, बहुत ज्यादा जंग। बच्चे का भी हॉस्पिटल में? पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं, सब कंफ्यूज हो गए।